हेलो, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो मॉर्निंग न्यूज के साथ मैं आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। सबसे पहले डीएसएसबी के बारे में, इसके बाद केवीएस के बारे में, इसके बाद हरियाणा में पहला एक विश्वविद्यालय खुलने वाला है और आपने शायद गैस कर लिया होगा, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, खेल विश्वविद्यालय। इसके बाद एक खबर और है दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो साथियों, इन खबरों के साथ मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और सबसे पहली खबर मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर, अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको जरूर ये सुनकर बहुत खुशी हुई होगी कि हरियाणा के अंदर पहला खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और ये विश्वविद्यालय सोनीपत के राई जगह पे बनने वाला है। और अगर आप हरियाणा से हैं या देश के किसी भी कोने से हैं तो आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस टाइप की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत कम है। तो साथियों, बता देना चाहता हूं, जो हरियाणा है आपको पता होगा खेल के मामले में देश में बहुत आगे है, तो ये एक अच्छा स्टेप है उन युवाओं को मौका देने के लिए जो जिनको साधन नहीं मिल पाते, तो ये विश्वविद्यालय उनकी कमी को पूरा करेगा, तो बहुत अच्छा लगा ये। इसके बाद दूसरी खबर है साथियों डीयू से। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले सत्र के लिए एडमिशन की तैयारियां चल रही हैं और अब की बार कोई भी ऐसा एडमिशन नहीं लिया जाएगा जो फ्रॉड हो, तो इसके लिए भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। जो फ्रॉड एडमिशन होते हैं इनको रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, तो अपना काम वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अगर आप डीयू में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप जरूर इस खबर को लाइक करेंगे। इसके बाद साथियों बात करते हैं हम डीएसएसबी। तो डीएसएसबी के बारे में आपको जरूर पता होगा, तो डीएसएसबी ने कल ईवीजीसी फीमेल का रिजल्ट आउट किया है। और अगर आप इस पोस्ट से कनेक्टेड हैं तो आपने शायद देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखेंगे। और मैं कट ऑफ भी आपको बता देता हूं कितनी कट ऑफ गई है। तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ है 120 है, ओबीसी की 105.25 है, एससी की 91.25 है, और एसटी में क्या है कि नो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अवेलेबल। और जो बची हुई पोस्ट है इनमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो क्वालिफाई कर पाया, तो और कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। एसटी, ओएच, वीएच जो पीएच में आते हैं ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, ओनली जनरल, ओबीसी और एससी ये कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए। तो साथियों ये नोटिस था 4/1/2019 का, जिसे डीएसएसबी ने कल डाला है। इसके बारे में मैं आपको जल्दी ही बताने वाला हूं। हालांकि ये डीएसएसबी की बहुत बड़ी गलती है कि 4/1/2019 का नोटिस कब आ रहा है, 11 तारीख को। इसके बाद एक केवीएस की न्यूज आई थी कल कि केवीएस ने अपनी आंसर की जारी कर दी है और जो आंसर कीज आई है वो काफी अनएक्सपेक्टेड है। अब बच्चे जिस एंगल से सोच रहे थे कि उनके मार्क्स इतने आ सकते हैं, लेकिन जो आंसर की आई है उनके बाद काफी मार्क्स कम होते दिख रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स हैं, जो सभी कैंडिडेट्स हैं, मोस्टली कैंडिडेट्स के चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। तो मैं साथियों बोलना चाहता हूं, अगर आपके मार्क्स कम हुए तो ये सभी के कम हुए, आप टेंशन ना लें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके रखें। अगर कोई एग्जाम आता है तो आप उसके लिए तैयारी करें, अपने वीक जोन को पहचाने कि कहां पे कमी है और आगे के लिए प्रिपरेशन करें। तो साथियों ये थी मॉर्निंग न्यूज, और जिन साथियों ने अपनी आंसर की चेक नहीं किए हैं तो चेक कर सकते हैं, मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है, सीधे लिंक पे आप क्लिक करते ही आपको आंसर की मिल जाएंगे। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।